सबसे जरूरी क्वेश्चन कि ब्रेकअप के बाद लड़के और लड़कियों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो खुद से प्रॉमिस कर लो कि जिस दिन ब्रेकअप हुआ है उस दिन से लेके आगे तक उसे ना कॉल करोगे ना आप टेक्स्ट करो। कभी भी अपने आप को अकेला मत छोड़ना, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम बिताना, कहीं घूमने निकल जाना। आपके फोन में जितनी भी फोटोज हैं या रियल में फोटोज हैं उन्हें फाड़ के फ्लश कर दीजिए, उसे ब्लॉक कर दीजिए, बार बार देखोगे तो याद उतनी आएगी। कोशिश करें कि बुक्स पढ़ें, डेली मेडिटेशन करें, जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, इससे आपको हौसला मिलेगा, घबराओगे नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी, जब भी एक्स की याद आए ना अपने माँ बाप की तरफ देख लेना और याद रखना कि उनके सपने हैं कुछ, आपसे कुछ चाहते हैं वो। जो बच्चे स्कूल या कॉलेज में हैं सुन के जाना, साल में 365 दिन है, 52 संडे है, 50 समर हॉलीडेज है, 263 दिन बचे, 8 घंटे डेली सोना भी है, 122 दिन तो 141 दिन बचे, 1 घंटा तो डेली खेलोगे भी 15 दिन तो 2 घंटे खाने में भी लगेंगे 30 दिन, मतलब बचे 96 दिन, 1 घंटा बातें भी करनी है तो 15 दिन हुए, और एग्जाम देने के लिए 35 दिन होते हैं साल में तो बचे 46 डेज। अब 40 दिन के फेस्टिवल, 3 दिन बीमार भी पड़ोगे, 2 दिन घर के फंक्शन और मूवी तो बचा 1 दिन, और 1 दिन आपका बर्थडे, पढ़े तो पढ़े कब, अरे मजाक चल रहा है, चुपचाप पढ़ाई करो और बैंक बाबू बनो हमारी तरह। जितना जल्दी हो सके 7 चीजें बंद कर दें। झूठ बोलना, जब आपसे कोई पूछे क्या तुम ठीक हो, आप अपने आप से ये कहना बंद कर दें कि आप एक अच्छे प्यार के लायक नहीं हो। उन लोगों के जख्मों को भरना बंद कर दें जिन लोगों को आपकी जरूरत नहीं। बंद कर दे खुद के लिए पूरे दिन में बड़े बड़े सपने देखना। दूसरों को दिखाना बंद कर दे कि कोई चीज आपको परेशान नहीं करती जब वो करती है। शब्दों पर यकीन करना बंद कर दो जब तक कोई एक्शन ना हो। अपने दर्द को नजरअंदाज करना बंद कर दो, खुद को नशे में डाल के, दिमाग को भटका के। लोगों का क्या है, चाय में अगर मक्खी गिरे तो चाय को फेंक देते हैं और घी में अगर मक्खी गिरी तो मक्खी को फेंक देते हैं। इसलिए लाइफ में कुछ बनना है तो कीमती बनो। उनके सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। एक कड़वा सच है, आजकल के लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बातों से ज्यादा मोटिवेट होते हैं घर की गरीबी से नहीं। 2000 के नोट से रिलेटेड IAS के इंटरव्यू में पूछे गए 2 क्वेश्चन। अगर आप नोट उठाएंगे यहाँ पे 7 धारियां हैं काले रंग की, तो इनका क्या मतलब होता है? जो नेत्रहीन लोग होते हैं वो ये छू के पता लगा सकते हैं कि नोट की कीमत क्या है। आपने कभी 2000 के नोट के आगे पीछे देखा है कि कितनी लैंग्वेजेस है? 17 लैंग्वेजेस लिखी होती है इस पे, पीछे यहाँ पे और यहाँ पे। इंग्लिश, हिंदी, असमिस, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीर, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, तमिल, तेलुगु, उर्दू।